हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 55 एंड द डेट इज 19th November 2020। योर क्लास इज 10th। हियर यू विल राइट योर नेम एंड हियर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम, और एज इट इज आप अपने नोटबुक में भी आप हेडिंग डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको क्या करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सट्रैक्ट है ये आपकी द बोल पोएम से लिया गया है, विच वॉज रिटन बाय जॉन बेरीमैन, जिसको जॉन बेरीमैन ने लिखा था। और थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक जो लड़का है वो अपनी बॉल को खो देता है, पानी में उसकी बॉल गिर जाती है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी होता है। और यही दुख और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए या बताने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए पोइट उसको समझाता है, उसको बताता है कि आपको काफ़ी चीज़ें जिंदगी में सहनी पड़ेंगी, काफ़ी चीज़ों का जो पोजिशन होगा आपका उनके ऊपर अधिकार होगा वो आपसे छूट जाएगा, तो कैसे उससे आपको पप करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। जब उसकी बोल गुम हो जाती है तो जो अधिकार वाले जो संसार में, वो पहली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेवारी उसको महसूस होती है। पीपल विल टेक बोल्स, बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बोल बैक। अब जो पॉइंट है वो बोलता है कि पीपल विल टेक बोल्स, बोल्स की जगह आप यहाँ पर कोई और थिंग भी रख सकते हो कि लोग दोबारा से बोल्स खरीदेंगे और बोल्स विल बी लॉस्ट, और बोल्स या और जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आगे जैसे ज़िंदगी बढ़ती रहेगी वो गुम होती रहेगी। एंड नो वन बाइज अ बोल बैक, और तुम्हारे लिए कोई भी बोल को बैक मतलब तुम्हारे लिए दोबारा से उसको लेकर नहीं आएगा। अगर तुमने उस बॉल को गुम किया है तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। आगे है, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैन डेज हाउ टू स्टैंड अप। आगे बोलते मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पर मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है कि जो मनी है वो बाहरी है, मीन्स कि मनी कांट गिव यू एवरीथिंग, मनी आपको सब कुछ लाकर आपको नहीं दे सकती है। इट कैन नॉट गिव यू द इमोशंस विच यू हैव विद द थिंग, ये आपको वो इमोशंस, वो जो उसके साथ जो लगाव होता है उन चीज़ों के साथ, वो आपको वापस नहीं लेकर आ सकती है, जैसे इस बच्चे का इस बोल के साथ था। तो इसीलिए बोल रहे हैं मनी इज एक्सटर्नल। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट आईज मतलब डेस्परेट जो ये वर्ड है ये उस लिटिल बॉय के लिए यूज़ किया गया है कि वो बहुत होपलेस, बिल्कुल उसने जो उम्मीद की किरण है, जो आशा है वो बिल्कुल छोड़ दी है, वो बिल्कुल होपलेस हो चुका है, और उस होपलेस के कारण उसकी जो आंखें हैं वो काफ़ी सैड दिख रही हैं, उसका वो पूरा ही पूरा लड़का सैडनेस में दिख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट नो वन डे नो। एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ, ये दो वर्ड से बना है, एपिस्टीम, एपिस्टोम और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और एपिस्टोम का मतलब होता है मींस नॉलेज, का मतलब होता है नॉलेज, और एपिस्टोमोलॉजी का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नॉलेज इट्सेल्फ, कि जो ज्ञान है उसका ही स्वभाव अपने आप जानने के लिए, कि ज्ञान कैसे हम अर्जित करते हैं, कैसे उसको पाते हैं, कैसे हम उसको आगे लेकर चलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं उसको हम एपिस्टोमोलॉजी। और एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, मींस व्हाट इट मींस टू लूज समथिंग, कि जो हानि होती, जो लॉस होता है उसके स्वभाव को समझना, कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ गुम कर देता है कि या उससे कोई चीज़ खो जाती है तो तब उस चीज़ से वो कैसे
डील करता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अब वो लड़का सीखेगा अपने जिंदगी में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो जो लॉस की जो नॉलेज है वो सीखेगा, और वो सीखेगा हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उस लॉस से हम बियर करते हैं, कोप अप करते हैं, उससे पार पाते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंड अप करते हैं। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो जानेगा कि हर व्यक्ति एक दिन यह जान जाएगा कि उसको लॉस का और जो पोजेशंस हैं वो उसकी गुम हो सकती हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और काफ़ी लोग जान जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे वैसे आप जान जाओगे हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे आपको खड़े रहना है, कैसे आपकी प्रॉब्लम से अपने आप को आपको पार पाना है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बताना चाहते थे कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने चैलेंजेस भी आएंगे, और आपकी कोई चीज़ आपसे गुम भी हो जाएगी, आपको लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और कैसे उससे आपको कब करेंगे और कैसे उसे पार पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज्ड बाय द पोइट टू कन्वे। जो मनी इज एक्सटर्नल है वो मैंने बताया था कि मनी हर एक चीज़ लेकर नहीं आ सकती। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि लॉस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आंसर आप नीचे से पढ़िए, करेंसी इन हैंड, बिल्कुल नहीं, ये मनी के बारे में बात ही नहीं कर रहा। यूज़ ऑफ पेटीएम, बिल्कुल ये तो रॉन्ग ऑप्शन ही हो गया। प्लेइंग क्रिकेट वेल, अच्छी तरह से क्रिकेट खेलना, ये भी कोई ऑप्शन, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ लॉस इसका आंसर हो जाएगा, कि जो उसको हानि हुई है उसका मतलब उसको समझ आ रहा है। आगे सेकंड क्वेश्चन, द पोइट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। जो सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या बताना चाहता है? द ग्रोथ ऑफ द बॉय, नो, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस, बिल्कुल सही बात है, कि जैसे जैसे वो कोई चीज़ उसने जैसे गुम की तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा है, तो वो अपनी चीज़ों की टेक केयर, देखभाल शुरू करना शुरू कर देगा। अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, उसको एक अचीवमेंट की सेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी सैड था, तो वो अचीवमेंट क्या हुई उसके लिए। सेंस ऑफ एडवेंचर, उसके लिए एडवेंचर ये काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी ऐसा अनुभव था जो उसको पसंद आए, लेकिन ऐसा तो कोई उसको अनुभव नहीं था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द नॉलेज। तो थिंकिंग लॉजिक मतलब तर्क, तार्किक सोच रखना, तार्किक मतलब तर्क के साथ सोचना। तो बिल्कुल अगर आप नॉलेज पाना चाहते हो तो आपको तर्क, रीजन तो ढूंढना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ लॉजिक, आपको थ्योरी भी, आपको लॉजिक की पढ़नी पड़ेगी। मेटाफिजिकल फिलोसफी, मेटाफिजिकल फिलोसफी क्या होता है कि मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी एंड इट्स नेचर। कि मेटाफिजिकल, जो मेटाफिजिक्स जो स्टडी होती है वो क्या होती है, रियलिटी के बारे में। मीन्स ये कहीं ना कहीं एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से ही सिमिलर है। तो इसके आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगी, फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम मान सकते हैं हम नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं बताया गया, हमें सिर्फ नॉलेज जो वर्ड है उसके बारे में, हमें डीप नॉलेज चाहिए तो उस वर्ड से हम बता सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा फंक्शन ऑफ स्टेम। जो फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रांसफर्ड एपिटेट। तो ट्रांसफर्ड का मतलब क्या हुआ, एक चीज से, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, उसकी जो पोजीशन है, जो जगह है, बदलना। तो मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ, ये एक पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिटेट, और इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम वन नाउन टू अनदर, कि एडजेक्टिव को एक नाउन से दूसरे नाउन के लिए तक ट्रांसफर कर देना। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आई हैड ए रेस्टलेस नाइट, रेस्टलेस मीन बेचैन, कि जो रेस्टलेस वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए, लेकिन वो किसके साथ लगा है, नाइट से पहले लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जो रेस्टलेस वर्ड को बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिटेट। ये एक पोएटिक डिवाइस है। सेकंड आप एग्जांपल देख सकते हो, सीमा हैड अ टेरिबल डे, सीमा हैड अ टेरिबल डे, जो सीमा का दिन था वो काफी खराब था, काफी
दुख भरा था। तो टेरिबल जो वर्ड यूज हुआ वो किसके लिए हुआ है? सीमा के लिए, लेकिन किससे पहले यूज हुआ है? वो डे से पहले। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिटेट का यूज करना एज अ पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ पर आप जरूर अपनी नोटबुक में डेफिनेशन भी लिखें, व्हाट इज अ ट्रांसफर्ड, व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिटेट, एन एडजेक्टिव विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नाउन इज ट्रांसफर्ड टू द अदर नाउन। को एडजेक्टिव वो नाउन के लिए, जो पर्टिकुलर नाउन के लिए बिलोंग करता है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे नाउन के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डेस्परेट आइज। ये बोलना तो कवि चाहता है कि जो लिटिल बॉय है, द लिटिल बॉय हैज डेस्परेट आइज, जो लिटिल बॉयज की जो आंखें हैं वो काफी डेस्परेट, काफी होपलेस हैं, वो काफी बेचैनी भरी हुई है। तो लेकिन यूज किसके साथ किया उसने? आइज के साथ। तो जो डेस्परेट जो वर्ड है वो क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिटेट हो गया, एक पोएटिक डिवाइस हो गया। मनीज एक्सटर्नल और वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस और बॉल्स विल बी अ लॉस्ट। यहाँ पर कहीं भी मनीज एक्सटर्नल के बाद यहाँ पर कोई, यहाँ पर नाउन यूज नहीं किया गया, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन के बाद यहाँ पर कोई नाउन यूज नहीं किया गया। तो नहीं तो हम यहाँ भी ट्रांसफर्ड एपिटेट देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द वर्ड डेट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। कौन सा वर्ड ये इंडिकेट नहीं करता कि एक होपलेस सिचुएशन जहाँ पर व्यक्ति सारी चीज़ें बिल्कुल उससे होप खो देता, आशा खो देता है कि उससे मुझे डील, मैं उससे पार नहीं पा सकता हूँ। डेस्परेट बिल्कुल वही जो आपने ऊपर पढ़ा था, तो डेस्परेट का मीनिंग यही है। एंग्विश्ड, एंग्विश्ड का भी मतलब ये होता है जब व्यक्ति काफ़ी एंग्री होता है, सैड होता है, होपलेस होता है। और फोरलोन भी का मतलब ये होता है कि सैड एंड अलोन, जब वो व्यक्ति अकेला होता है और सैड होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच गया, बी कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है बिल्कुल इकट्ठा रहना, एकत्रित रहना, मतलब ऐसे व्यवहार में रहना जिसमें व्यक्ति कंपोज्ड रहे, शांत रहे और वो फोकस कर पाए, ना कि वो होपलेस रहे। लास्ट में आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मैसेज पढ़ते हैं, वॉश योर हैंड्स एंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, एज शोन इन दिस पिक्चर। और इसको ना कि आपको पढ़ना है, आपको यू हैव टू फॉलो दिस, आपको इसको फॉलो भी करना है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट ख़त्म होती है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द अदर वीडियोज ऑफ योर क्लास और योर लास्ट वर्कशीट, देन यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पर जो लिंक्स दिए गए हैं यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स एंड वॉच द वीडियोज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।